हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं पीसी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड योर नॉलेज पार्टनर। साथियों, आप लोग जैसे कि जानते हैं, द पीसी सिंह शो चैनल के माध्यम से मिलती हैं कहानियां जो जिंदगी बदल दें, जानकारियां जो आंखें खोल दें। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। क्या आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं? जी हाँ, क्या आप एक वित्तीय सलाहकार, एक फाइनेंस एडवाइजर हैं, एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम कहते हैं कि कौन है ये बीमे वाले, क्या करते हैं? एक इंश्योरेंस एडवाइजर एक वो व्यक्ति है, कर्मठ, जुझारू इंसान है, जो हमेशा आपके वित्तीय सलाहकार बनकर रहता है, आपके फाइनेंस का एडवाइस करता है, आपके फाइनेंस को मैनेज करने की कोशिश करता है। आज बहुत सारे दुनिया में बुजुर्ग हैं जो पूरे आत्मसम्मान के साथ आत्मनिर्भर होकर के अपने बुढ़ापे को जी रहे हैं और अपने प्यार का, अपने परिवार का प्यार पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके काम करते समय एक इंश्योरेंस एडवाइजर ने उनको एडवाइस किया था कि आप अपने पैसे को इस प्रकार से फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग कीजिए जो आपके बुढ़ापे में आपका सहायता कर सके। इस प्रकार आपने बुढ़ापे का पेंशन प्लान जरूर लिए होंगे जो आज के डेट में बुजुर्ग अपने पूरे जीवन को, अपने बुढ़ापे के समय को अपने पूरे परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे विधवाएं हैं जो पूरे आत्मसम्मान के साथ आत्मनिर्भर होकर के अपना तथा अपने परिवार का, अपने बच्चों का लालन पालन करती है बिना किसी के आगे हाथ फैलाए, पूरे सम्मान के साथ। क्यों? क्योंकि एक इंसान, क्यों? क्योंकि एक वित्तीय सलाहकार ने, एक इंश्योरेंस एडवाइजर ने उनके तथा उनके परिवार को, उनके हस्बैंड को ये फाइनेंस एडवाइस किया था, फाइनेंसिंग एडवाइस दिया था जिससे वो अपने जीवन का बीमा करा पाए। भगवान न करे किसी के साथ कैसी कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए। जी हाँ साथियों, जब किसी परिवार में किसी इंसान की मौत होती है तो सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार के नुकसान होता है, तीसरा कोई नुकसान नहीं होता। पहला नुकसान होता है इमोशनल, जो हम अपने परिवार के साथ बंधे हुए हैं। इमोशनल नुकसान 2-4-6 महीने में लोग भरपाई कर लेते हैं, भूल जाते हैं। दूसरा नुकसान होता है फाइनेंशियल, मतलब रुपए पैसे का नुकसान। जब किसी इंसान के घर में, किसी परिवार में एक इंसान की मौत होती है तो जो फाइनेंशियल नुकसान है उस परिवार के साथ चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि कितना भी करीबी रिश्तेदार, दोस्त, साथी क्यों ना हो, 2-4-6-10 दिन बाद या महीने, 2 महीने 4-6 महीने के बाद वो अपना देखने लगता है, दूसरे के परिवार के बारे में सोचने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। तो अपने फाइनेंशियल को जरूर इस प्रकार से एडवाइज करता है इंश्योरेंस एडवाइजर, जो आप अपने फाइनेंस को इस प्रकार से मैनेज कर पाते हैं जिससे कि आप अपना एक जीवन बीमा ले पाते हैं जो हमेशा आपके जिंदगी के साथ भी और आपके जिंदगी के बाद भी आपका साथ देता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे छात्र और छात्राएं ऐसी हैं जो अपने सपनों को अपनी नई ऊर्जा के साथ पूरी कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स को एक इंश्योरेंस एडवाइजर ने ये एडवाइज किया था कि आज बहुत सारे शिक्षा जो है, हायर एजुकेशन है, जो बहुत महंगी होती जा रही है, आप अपने पैसे को इस प्रकार मैनेज कीजिए जिससे कि आपके बच्चे के एजुकेशन में जब हाई एजुकेशन की समय आए तो उस समय उसका साथ दे पाए, वो सहयोग कर पाए, जिससे कि आपके बच्चे की जो सपनों की मंजिल है उसको पूरे करने में आपका सहायता दे। आज बहुत सारे लोग अपने बच्चों को बिना किसी बटन के हायर एजुकेशन कराने में सक्षम हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक इंश्योरेंस एडवाइजर ने, एक वित्तीय सलाहकार ने सलाह दिया कि आप अपने पैसे को इस प्रकार मैनेज कीजिए जो हर पल आपका साथ देगा, चाहे आप रहें या ना रहें। आज बहुत सारे बीमार लोग बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज बड़े बड़े हॉस्पिटलों में करा करके आते हैं और पूरे सम्मान के साथ अपने घर में आते हैं और बिना कुछ किसी के आगे हाथ फैलाए और बिना किसी अचल संपत्ति को गवाए अपना इलाज करा पाते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनेंस एडवाइजर ने, एक इंश्योरेंस एडवाइजर ने, एक वित्तीय सलाहकार मैन ने उनको ये एडवाइस किया था कि आज बहुत सारे बीमारियों का जो इलाज है बहुत महंगा होता जा रहा है। भगवान न करे आपके साथ अब तक कोई बीमारी नहीं लगी है, यदि कुछ ऐसी बीमारी लग जाए तो आपकी पूरी सेविंग एक झटके में खत्म हो सकती है। आप जब हेल्थ इंश्योरेंस करा पाते हैं
और अपने बड़े बीमारी का इलाज बड़े हॉस्पिटल में करा करके पूरे सम्मान के साथ आकर के अपने इंश्योरेंस एडवाइजर को ये धन्यवाद करते हैं कि आज आपने एक सलाह नहीं दिया होता तो आज हम बहुत सारे अचल संपत्ति को गंवा चुके होते, हो सकता है कि हम अपने प्राण भी गंवा चुके होते। तो आप अपने एडवाइजर इंश्योरेंस एडवाइजर का हमेशा सम्मान करें। वित्तीय सलाहकार एक इंश्योरेंस एडवाइजर वो एक मैन है जो हमेशा आपके तथा आपकी उन्नति की कामना करता है। वो चाहता है कि आप हमेशा तरक्की करें और अच्छे से अच्छे जीवन यापन कर पाए ताकि आप अपने सारे समाज में पूरी सम्मान के साथ जी पाए। वित्तीय सलाहकार हमेशा आपके शुभकामना का पात्र होता है, हमेशा आपकी शुभकामना करना चाहता है। आपके पास यदि आपके वित्तीय सलाहकार का कभी भी फोन कॉल्स आए तो आप उनका सम्मान जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि यदि वो आपका जीवन साथी का अपने आपके जीवन का एक हमसफर है, एक साथी है, आपका एक परिवार का हिस्सा है जो आपको एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने में आपका हमेशा साथ देता है। यदि आपका कोई इंश्योरेंस एडवाइजर है तो आप उसे अपने परिवार का एक हिस्सा समझिए, आप उसे जरूर सम्मान दीजिए। यदि नहीं है तो जिस व्यक्ति ने यह वीडियो आप तक शेयर किया है उस व्यक्ति को कॉल कीजिए और अपने जीवन में एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर रखिए जो आपके जीवन को एक नई ऊंचाई तक लेके जा पाए, आपके सपनों को पूरा कर पाए, आपके परिवार के सपनों को पूरा कर पाए, आपके बच्चों के सपनों को पूरा कर पाए और आपको हर प्रकार से आत्मनिर्भर होने की एक प्रेरणा दे पाए। आप अपने अब तक जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं उनका सम्मान करें, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे कि सारे बैंकों का जो एक हेड है, जैसे कि बहुत सारे बैंक हैं उसका एक हेड है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सारे बैंकों का हेड है। तो इसमें सारे बैंकिंग सेक्टर आ जाते हैं जहां से वो हैंडल किया जाता है RBI के जरिए। ऐसे ही IRDA जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो IRDA के अंदर रजिस्टर्ड हैं, उनका जो रजिस्ट्रेशन है बहुत ही जांच पड़ताल के बाद दिया जाता है। तो चाहे किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस एडवाइजर हो उनका सम्मान जरूर करें, वो हमेशा आपके तथा आपके संपत्ति के, आपके फाइनेंस के, आपके परिवार के शुभकामना के साथ आपको विशेष हमेशा देता है। तो साथियों, आप इस वीडियो को अपने फाइनेंस एडवाइजर, अपने अपलाइंस जो आपके वित्तीय सलाहकार हो सकते हैं, आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, उन तक जरूर शेयर करें ताकि उनके भी मन में ये जागृति हो, एक स्वीकृति पैदा हो कि यस, हमारे लाइफ में इंश्योरेंस कितना महत्व रखता है। और मैं भी बहुत सारा काम जो है एक इंश्योरेंस पद्धति के माध्यम से पूरे कर पाया हूँ और उसको और बहुत सारे इंश्योरेंस में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ और करता जा रहा हूँ कि आप अपने फाइनेंस को कुछ परसेंट अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए जरूर करें। धन्यवाद, वेरी गुड। आप लोगों को वीडियो लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।